शादी का किस्सा बड़ा लोग जानना चाहते हैं, तो भी आप सुनाएंगी ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? उस्मान और मैं, हम लोग किसी हमारे म्यूचुअल एक फ्रेंड था, तो अचानक से वो आया, मैं शूट पे थी, तो वहाँ पर उन्होंने एक बताया, उस्मान उस वक्त खेल रहे थे PSL, तो उन्होंने बताया जी उस्मान कादिर है ये वो, बड़े मतलब सलाम तो हो गई। उसके बाद जो है हमारा रابطہ नहीं हुआ, 2-2.5 साल रابطہ नहीं हुआ। फिर अचानक हम एक फ्रेंड की तरफ से वहाँ पर गेट टुगेदर थी, तो उस्मान मिले, तो उस्मान ने कहा पहचाना मुझे, मैंने कहा हाँ पहचाना। तो फिर उस्मान ने कहा अच्छा कैसे हो, ठीक हो ये वो, और बस वहाँ से बातचीत स्टार्ट हो गई। और फिर हम लोगों ने फेसबुक पर ऐड किया एक दूसरे को, बस वहाँ से बात, प्योर सोशल मीडिया, सोशल लव्ड अरेंज मैरिज। हाँ, ये कभी आप सोबिया का नाम लिखे, मेरा नाम लिखे ना, वहाँ पे एक चैट है। अच्छा, पिक्चर उन्होंने किसी ने स्क्रीनशॉट लेके गूगल पर डाली हुई, वो चैट है वहाँ पे, आप देखिए काफी सारे दिल बने हुए वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे काफी सारे कमेंट्स हुए हुए हैं, तो आप वहाँ पे देखेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन हमारी बात इतना कोई अरसा नहीं हुई, लाइक हमारी बात जस्ट स्टार्ट ही हुई थी, मैं उस वक्त इंग्लैंड में थी और उस्मान ऑस्ट्रेलिया में थे आई थिंक। तो इनको जब यहाँ आना था, तो फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था, इन्होंने, ये पाकिस्तान थे, तो ये अचानक इनका हुआ कि जी मैं आ रहा हूँ मार्च में, हमारी 2-2.5 महीने तो फ़ोन पे और इस तरह बात हुई। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब हम लोग मतलब फ़र्स्ट टाइम जो है हम लोग ऐसे बस कॉफ़ी पे मिले, तो इन्होंने सेकेंड टाइम कहा कि मतलब मैं पसंद करता हूँ और इस तरह, मैंने कभी पसंद करते हो तो शादी कर लो। वाह, तो मैं स्ट्रेट हाँ बिल्कुल, मैंने कहा पसंद करते हो तो शादी कर लो, क्योंकि ये तो टाइम मतलब मेरे पास वो नहीं है कि मैं अब टाइम वेस्ट करने वाला कोई नहीं, मैं काम में अपने बिजी हूँ। तो कहने लगे अच्छा ठीक है मैं कर लेता हूँ, मैंने कहा अच्छा कर लो, कहते मैंने कहा ठीक है, कहते कब करनी है, मैंने कहा जुम्मे को निकाह कर लेते हैं। किसे डोके तो मैंने कहा उस्मान आप, मुझे लगा कि शायद वैसे ही ठीक है मजाक कर रहे हैं हाँ कुछ इस तरह ना, क्योंकि किसी की फीलिंग्स के साथ भी खेलना या ये खेलते या मैं इस तरह कुछ करती तो वो मुनासिब नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा, मैं फिर मुझे कहते सूट ले लिया, मैंने कहा हाँ ले लिया आपने, ले लिया हाँ, फिर इस तरह से हमारे निकाह हो गया माशाल्लाह से। फिर उस्मान घर की तरफ से प्रेशर नहीं था ये जो एकदम आपने कह दिया कि ठीक है मैं फ्राइडे को निकाल कर लूँगा? प्रेशर था एक, क्योंकि देखा जाए तो वाले साहब का बहुत नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हुआ ऐसे कि मैंने अब्बू से बात की, जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जाके बात की, मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे लड़की पसंद है और मैंने शादी करनी। इन्होंने तस्वीर भी दिखाई? मैं तस्वीर भी दिखाई जाके, तो अब्बू कहते ठीक है तुम्हें पसंद है तो तुम कर लो, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये तो इसका मतलब मुझे परमिशन मिल गई है, तो मैंने यहाँ पर डन किया, मैंने निकाह कर लिया। मैं जब निकाह कर ली तो ऑब्वियसली सी बात है वो तो घर में होता है कि हमारे बगैर कर लिया, इस तरह नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, बड़े अप एंड डाउन आए बीच के अंदर के यार इसने इस तरह कर लिया, ये कर लिया, वो करे, लोगों ने बड़ी बातें शाती की इस तरह ये कुछ तरह नहीं करना चाहिए था, बट ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक डिसीजन करवाना था, वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भी उस वक्त शायद लाइफ के उस स्टेज पर थे कि वो चाहते थे कि मतलब आपका कोई ऐसा पार्टनर सेटल डाउन होना, बिल्कुल सेटल डाउन, और मेरा भी माइंड यही था कि ठीक है मुझे अब मतलब हो जाना, बस सेटल हो जाना चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और मतलब फैमिलीज हैं, क्योंकि मेरी फैमिली की तरफ से भी था कि अगर उनको कोई मतलब मुझे कोई अच्छा लगता है, अगर वो है अच्छा है इंसान है, उनको ट्रस्ट था तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेरे तो फैमिली में पता और मेन बात यह कि ट्रस्ट होना चाहिए। एग्जैक्ट और आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े